गाइस गुड मॉर्निंग और आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ द्वारका सेक्टर 12 के मेट्रो स्टेशन और कल यहीं पर आकर हुई थी गड़बड़। आज मैं वो गड़बड़ होने नहीं दूंगी। कल यहाँ की रिकॉर्डिंग छूट गई और बहुत सारी अलग अलग जगहों पर क्लिप्स थी वो सारी छूट गई। उम्मीद करती हूँ आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगी। आज ऐसे मैं बार बार चेक करूँगी। तो मेट्रो स्टेशन तक मैं अपनी जो मैं बुक लेकर के आई थी राम को पढ़ रही हूँ। अभी मैं सिर्फ चैप्टर 1 पे ही हूँ और चैप्टर 1 पे ही मुझे एक दो चीज़ें ऐसी लगी हैं जो कहीं पर हमारे ग्रंथों में नहीं है। ये खुद से लिखा है राइटर ने, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, पर कुछ मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ा उसमें मुझे कुछ कुछ चीज़ गलत लगी है। वो आपसे मैं करूँगी दिन में या शाम को, जब भी इत्मीनान से बैठूँगी तब आपसे मिलती हूँ। अब मैं थोड़ी देर के बाद, शुक्र है आज तो यहाँ पे रिक्शे बहुत सारे लगे हुए हैं तो आज तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, ऑलरेडी काफ़ी लेट हूँ। आज मैंने चश्मा बदल लिया, मैं बोर हो गई काला चश्मा पहन पहन के। तो मैं निकल चुकी हूँ HDFC के ऑफिस से और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, अच्छी गर्मी है, मतलब धूप नहीं है, बादल है, मौसम सही था नहीं। बाकी मैं घर पहुँचती हूँ फिर आपसे बात करूँगी, क्योंकि ट्रैफिक भी है और ट्रैफिक में ब्लॉगिंग करने से क्या रहता है कि वॉइस नहीं आ पाती है। दोस्तों जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि अच्छे भी लगते हैं और हंसी भी आती है, कभी गुस्सा भी आता है। तो अभी ये रिक्शा में जब बैठे थे तो मेरे साथ एक आंटी भी बैठी हुई थी, तो मोची की दुकान थी एक जगह। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, क्योंकि मेट्रो आ गई थी तो बहुत शोर हो गया था, वहाँ पे लिखा हुआ था मोची की दुकान पे जूते चप्पलों का ब्यूटी पार्लर। तो आंटी बहुत तेज़ तेज़ का हंसने लगी, मुझे उनको देख के अच्छा भी लगा और क्रिएटिविटी देखी लोगों की कि भाई लोग मॉडर्न हो गए हैं, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। तो आज गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो दिन का टाइम है, सन्नाटा पसरा रहता है, सिटी सेंटर बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है ये, नीचे सारे फूड के भी हैं, पिज्जा हट से लेकर के KFC है, सब कुछ है, सबवे है, बर्गर किंग है, हल्दीराम है, सब कुछ। अरे मेरी मेट्रो आ गई भाई, राधे राधे। आज इनके दर्शन मॉर्निंग में मैं करा नहीं पाई थी तो आप अभी कर सकते हैं। ये रहे हमारे गणेश जी, ये रही हमारी राधा रानी, आज बहुत ही क्यूट लग रही है, रोज़ लगती है, आज थोड़ी ज़्यादा लग रही है। और लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो क्यूट लग रहे हैं वो है लड्डू जी। इनकी जो पगड़ी थी ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई जब मैं पहना रही थी, तो मैंने देखा कि टेढ़ी पगड़ी में और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने फिर ना सीधी नहीं की, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज लड्डू जी हमारे। और ये है मुरली, मुरली का तो टसन ही अलग है, हैं भाई मुरली क्या बात है, ये सुंदरता का क्या राज है मुरली। मुरली इतना खुश होता है ना नन्नी, ऐसा लगता है कि जब मैं मुरली की तारीफ़ करती हूँ ना मुरली ऐसे स्माइल करता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या तो है मुरली। लेकिन आज सबसे क्यूट लड्डू लग रहा है, तो कुछ भी कह ले भाई, है ना लड्डू। और राधा भी सब बहुत प्यारे लग रहे, तो बोलिए राधे राधे। ओहोए सब्जी वाले ने अभी शोर मचाना था क्या घर के आगे, वो देखो शोर भी थोड़ा थोड़ा नहीं मचा रहा। सो गाइस अब मैं लगती हूँ अपने काम पे और आप लोगों से मिलूंगी सीधे अब मैं शाम को या फिर रात को, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सो गाइस मैं आज घर आ गई थी तो मुझे ध्यान आया कि मैंने कई हफ्तों से अपनी चिड़ियों को बाहर नहीं निकाला, एक ने तो अंडे दिए हैं वो तो बाहर आएगी नहीं, लेकिन बाकी के आ सकते हैं। अब उसके लिए मैंने क्या व्यवस्था की है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है मेलोजी, मतलब ये मेल बर्ड है और ये गुस्सा कर रहा है
ये तीन एग ना ये खराब हो गए हैं, इसलिए इन्होंने साइड कर दिए हैं। केवल दो एग हैं जिनको ये सेक रहा है। तो ये गुस्सा कर रहा है कि कैमरा हटा यहाँ से, इसको लग रहा है कि मैं कुछ नुकसान पहुंचाऊंगी, तो ये तो बाहर आएगा नहीं। और ये रही हमारी लूसी मैडम, ये बाहर आ जाएगी और वो रही मम्मी पीछे से देख रही है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे तो जो इनका दाना था ये मिट्टी के इस बॉल में मैंने दिया हुआ था, तो ये मैंने साफ सूफ भी कर दिया। इसमें थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना छिलके छिलके से, और ये थोड़ी सी भुजिया नमकीन थी ये भी मैंने निकाल दी। तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा फैला दूंगी ऐसे करके, जो भी इसमें बची होगी। तो ना इसको बहुत पसंद है, इनको बहुत पसंद है ये नमकीन। थोड़ी सी फैलाती हूँ पहले, तो अब वो देख रही है वहाँ से कि कुछ तो है जिसको हमारे खाने की चीज़ है। अभी अभी बाहर आएगी, क्योंकि विंटर्स में तो मैं इनको ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम इनके केज को खुला रखूँगी, पर फिलहाल गर्मियों में पंखा चलता है इसलिए मेरे को बंद रखना पड़ता है। अब देखती हूँ कितने देर में लूसी बाहर आती है और आपको भी दिखाती हूँ। आ रही आ रही आ रही है, देखो नीचे उतर गई। आ जा लूसी, आला मेरा बच्चा, आ जा आ जा आ जा। लूसी गुड गर्ल। अरे बाबा नहीं करूंगी बेटा, बिल्कुल भी पिट्टी नहीं होगी। शाबाश शाबाश भी गलत बोला, शाबाश। नमकीन खाना छोड़ के आज ये दाना खा रही है, ये ऐसे कैसे हो गया। तो आज तो कमाल हो गया, कमाल का भी कमाल हो गया। देखो आज तो ट्वीटी भी आ गई, मम्मी अंडे देती है, ये मम्मी उसमें से चूजे ही नहीं निकाल पाती, ये है ट्वीटी लेफ्ट वाली। कमजोर कितनी हो गई है, लूसी के सामने लूसी तो कबूतर लग रही है और इतनी कमजोर हो गई है, क्या कर सकती हूँ। चलो बाहर तो आइए, इतनी डरपोक है, इतनी डरपोक है। अभी देखना कोई बाहर छींक कर रहा है, उसके लिए भी इसके मतलब अलर्ट हो गई है कि देखो आप भागेगी अंदर। बहुत ही डरपोक है, बहुत ज्यादा डरपोक है। ये देखो अब भागेगी, बड़ा बड़ा मतलब हिम्मत इकट्ठी करके बड़ी मुश्किल से बाहर आई थी और ये फिर भागी अंदर। अब अंदर जाएगी और उसको बाहर भेजेगी। देखना इनकी यूनिटी देखना दोस्तों। अब वो साइड में सूज दिख रहे हैं तो प्लीज इग्नोर करना। अब देखना वो भी उस बॉक्स के ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर चली गई है। अब उसको बोल रही है कि तू बाहर जा, अब देखना वो बाहर आएगा। इतनी एकता तो इंसानों में भी नहीं होती। अब वो अंडे सेकेगी, देखो वो अंडे सेकेगी और वो भाई साहब आ गए हैं बाहर। अब देखती हूँ ये बाहर कितने देर में आता है केज के बाहर। अभी तो देख रहा है, थोड़ी देर रिलैक्स होगा। फाइनली इसने भी हिम्मत की और मैलो भी आखिरकार अपनी जीत से मैलो भी अपनी डर से जीत हासिल करके बाहर आ ही गया। और मूर्ख प्राणी दरवाजे की तरफ जा रहा है कि ए मैलो कहाँ जाएगो, अच्छा एक इसको देखो, ये इसको कोई और काम नहीं है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है इसको, मोटी को।